हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया चल रहा था, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे उभय प्रतिरोधक, जिसको अपन बफर विलयन भी कहते हैं। उभय प्रतिरोधक जिसे अपन बफर विलयन भी कहते हैं। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मृदा पीएच का महत्व, डिस्कस किया था मृदा पीएच का महत्व कुल 6 बिंदुओं से, उसको अपन ने पार्ट ए पार्ट बी के रूप में क्लियर किया था। आज ही क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कौन सा उभय प्रतिरोधक बफर, इसको अपन इसकी परिभाषा समझेंगे, फिर इसकी क्रिया, इसको अपन बफर क्रिया कहेंगे वो समझेंगे, फिर इसके उदाहरण की बफर क्रिया कैसे होती है, फिर अपन बात करेंगे उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण, और मेन चीज है मृदा के लिए अपन पढ़ रहे हैं तो मृदाओं में उभय प्रतिरोधन कैसे होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। तो बेटा देखिए, ये कोई विलयन है अपने पास, क्या है विलयन है। अब इसमें अपन क्या मिला है, अम्ल मिला है या क्षार मिला है या जल मिला है, इसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन को अपन क्या बोलते हैं, उभय प्रतिरोधक विलयन या बफर विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार या जल मिलाने पर उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन को अपन क्या कहेंगे, उभय प्रतिरोधी विलयन कहेंगे, या इसको अपन बफर विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, बफर विलयन भी कहते हैं। यदि किसी विलयन में अम्ल क्षार या जल मिलाने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधी क्रिया या बफर क्रिया करते हैं, इसे उभय प्रतिरोधी क्रिया या बफर क्रिया करते हैं। क्लियर, जैसे अपने पास में इसके उदाहरण और फिर क्रिया की बात करेंगे अपन। उदाहरण बात करें, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि अपन किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार या जल मिलाएं तो पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब अपन इस विलयन को क्या कहेंगे, उभय प्रतिरोधी। उभय का मतलब है ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, या बफर विलयन। और जो क्रिया होती है पीएच परिवर्तन नहीं होने की जो क्रिया होती है उसको अपन कहते हैं बफर क्रिया, बेटा उसको बफर क्रिया कहते हैं। क्लियर, अब लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे अपन लिया CH3CWH, ये क्या है अपने पास में, एक दुर्बल अम्ल है, क्या है दुर्बल अम्ल, प्लस इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, क्या बनेगा बेटा CH3CWNA, और इसका निर्माण होता है इससे CH3CWH+NaOH से, राइट। तो ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, इन दोनों के मिक्सर को अपन क्या कहेंगे, बफर विलयन कहेंगे। ध्यान देना बेटा, एक तो दुर्बल अम्ल है, साथ में अपन ने क्या लिया है, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, तो एक दुर्बल अम्ल और एक लवण के मिश्रण को अपन क्या कहेंगे, बफर विलयन। और ये कहां से आया, इसी दुर्बल अम्ल से प्रबल क्षार के साथ
क्रिया करके ये लवण बना है और इसके साथ ये मिलाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, बफर विलयन मिलेगा। दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, कौन सा लिया अपन ने, NH4OH, ये क्या है, दुर्बल क्षार, क्या है बेटा ये दुर्बल क्षार, क्लियर। अब इस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ लवण तो क्या बन जाएगा, NH4Cl, इसका निर्माण हुआ है किससे, NH4OH+HCl, इससे हुआ है NH4OH और HCl, ये क्या हो गया दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ लवण। अरे बात समझ में, ये दो उदाहरण लिए अपन ने, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण के मिश्रण को क्या कहेंगे अपन, बफर विलयन कहेंगे। इसी प्रकार दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ लवण का जो मिश्रण होगा उसको भी क्या कहेंगे अपन, बफर विलयन कहेंगे। ये क्या है आपके उदाहरण है, इन दोनों के मिश्रण को अपन क्या कहेंगे, बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहेंगे, उभय प्रतिरोधी या उभय प्रतिरोधक विलयन कहेंगे, क्लियर। अब यहां पर एक बफर क्रिया का अपन उदाहरण ले लेते हैं कि किस तरह से बफर क्रिया यहां पर होगी। अपन ने क्या ले रखा है, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम एसीटेट, देखिए बेटा ये तो ले रखा है अपन ने KCl का विलयन, क्या ले रखा है अपन ने KCl का विलयन, और एक ले रखा है अपन ने किसका, अमोनियम एसीटेट NH4CH3COOH4, अमोनियम एसीटेट का विलयन, राइट। इसमें अपन ने 1NHCl, क्या है ये अम्ल है, क्या है ये अम्ल है, परिभाषा क्या थी बोला अपनी, परिभाषा थी अपने पास में क्या कि किसी भी विलयन में अम्ल मिलाओ, सामान्यतः अगर अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, पीएच में कमी आती है, अम्लता बढ़ेगी। क्षार मिलाते हैं तो क्या होगा, पीएच में वृद्धि होगी, क्षारता बढ़ेगी। और तो यहां पर अपन क्या मिला रहे हैं, 1N नॉर्मलता का अम्ल, जो कितना मिलाएंगे 1 ml, कितना मिलाएंगे 1 ml, और इसमें भी कितना मिलाएंगे अपन 1 ml, बराबर मिलाया, ठीक है। तो और इनकी पीएच क्या है, 7 है, दोनों की पीएच क्या है अभी 7 है, राइट। इसकी पीएच क्या है अपने पास में, 7 है, क्लियर। अब जब 1N, N का मतलब नॉर्मेलिटी से है, नॉर्मलता से है, 1NHCl अम्ल का कितनी मात्रा, इसमें भी 1 ml और इसमें भी 1 ml मिला देंगे, तो यहां पर जो KCl है इसकी जो पीएच है वो 7 से घटकर कितनी हो जाती है, 3, 7 से घटकर कितनी हो जाती है, 3। इसका मतलब इसका विलयन क्या हो गया, अम्लीय हो गया, क्या हो गया बेटा, इसका विलयन अम्लीय हो गया, अम्ल मिलाने पर क्या हो गया, अम्लीय हो गया, जबकि इसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पीएच अब भी अपने पास में कितनी प्राप्त होती है, 7 की 7 ही प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये विलयन क्या है, उभय प्रतिरोधक है, क्या है बेटा, उभय प्रतिरोधक है, या कहेंगे बफर विलयन है, क्या है, बफर विलयन है, उभय प्रतिरोधक है या बफर विलयन है। ध्यान दीजिए, ऐसे लिया अपन ने और CH3COOH4 अमोनियम एसीटेट, राइट, दोनों की पीएच कितनी है, 7। अब इसमें अपन ने 1N नॉर्मलता का HCl अम्ल है उसके 1 ml मात्रा से मिलाए, 1 ml मात्रा इसमें मिलाए, इसकी पीएच 7 से कहा होगी, 3, इसका मतलब क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया,
और उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब परिवर्तन नहीं होता है तब उसको क्या बोलते हैं, उभय प्रतिरोधक या बफर क्रिया। आगे बात समझ में, ये था अपने पास में बफर क्रिया का। अब बात करते हैं अपन बफर प्रतिरोधी विलयन के गुण। बफर प्रतिरोधी विलयन के गुण, गुण क्या है कि ये क्या होता है, इसमें पीएच निश्चित होती है। क्या होती है? पीएच निश्चित होती है। इसकी पीएच क्या होती है बेटा? निश्चित होती है। पीएच क्या होती है? निश्चित होती है। अम्ल मिलाओ, क्षार मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, क्या होती है? पीएच निश्चित होती है। दूसरा गुण, ये पीएच को क्या करता है? स्थिर रखता है। पीएच को स्थिर रखता है, चाहे क्या करे अपन, तनुता को बढ़ा दे, तनुता मतलब उसको पतला कर दे, मतलब जल मिला दे। क्या मिला दे? जल मिला दे, राइट। पीएच निश्चित होती है, पीएच क्या करता है? स्थिर रखता है, मतलब जितनी है उतनी रखेगा, ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, चाहे अपन इसमें जल मिला दे, तनु प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। तनु का मतलब पतला होना, पतला किससे होता है? जल से। जल मिला देंगे तब भी ये क्या नहीं होगा आपका, पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे गुण अगर किसी विलयन में है उसको अपन क्या कहेंगे, उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहते हैं। क्लियर बेटा? आगे चले, आगे अपने पास में यहां पर बात करते हैं अपन किसकी, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन। इसकी बात करते हैं मृदाओं में उभय प्रतिरोधन, राइट। तो देखिए बेटा, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन जो होता है वो किस पे, मृदा में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। मृदाओं में H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। ध्यान देखो, इसकी बात करूंगा मैं, मृदा निलंबन मतलब कण जो होता है, मृदा के जो कण होते हैं उसमें किसकी, H प्लस की सांद्रता या OH माइनस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन या OH माइनस आयनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। और इनकी सांद्रता मृदा में क्या होती है, अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। इनकी सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसकी पीएच को स्थिर रखने के लिए यहां पर अधिक बफर क्रिया होती है। क्लियर? जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, कौन से अधिशोषित एच प्लस एवं ए एल प्लस थ्री आयन, राइट, इनका परिवर्तन हो गया किसमें, मृदा विलयन में H प्लस तथा Al प्लस थ्री आयन। क्लियर? ये तो थी आपकी निश्चित अम्लता के रूप में, इसके रूप में, और ये होती है आपकी किसके, सक्रिय अम्लता के रूप में। किसके रूप में? सक्रिय अम्लता के रूप में। अब देखिए बेटा, अधिशोषित H प्लस हो या Al प्लस थ्री आयन, ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? अम्लता के लिए। किसके लिए? अम्लता के लिए। अब ये जितने ज्यादा होंगे उतने ही उस मृदा की क्या होगी, अम्लता होगी, जो निश्चित मात्रा में होगी, जो क्या होगी, निश्चित मात्रा में होगी। अब मृदा विलयन बन गया, मृदा क्या बन गया, विलयन बन गया। विलयन का मतलब या तो इसमें कोई अम्ल आ गया, या कोई क्षार आ गया, कोई लवण आ गया, कोई जल आ गया, पास में मतलब कुछ ना कुछ मिला दिया। तो मिला दिया तो वहां पर H प्लस और Al प्लस थ्री आयनों का क्या हो जाएगा, आपका अधिशोषण हो जाएगा, या उनका क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। उसको कहेंगे अपन सक्रिय अम्लता, कहेंगे उसको सक्रिय अम्लता, क्योंकि यहां पर
एच प्लस तो क्या हो गए, उदासीन हो जाते हैं। एच प्लस क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मृदा भी किसकी तरह, उभय प्रतिरोधी विलयन की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, समझाइए कि मृदाओं में उभय प्रतिरोधन होता है, समझाइए कि मृदाओं में उभय प्रतिरोधन होता है। तो अपन को ये सारी चीज वहां पर समझानी है कि निश्चित अम्लता इनके कारण होती है और सक्रिय अम्लता जो होती है वो किसी कारण होती है, एयर प्लस थ्री आयनों के कारण होती है, क्योंकि एच प्लस आयन क्या हो जाते हैं, चूने या गंधक के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, उदासीन कर लिए जाते हैं, उदासीन कर लिए जाते हैं, जिससे पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः मृदा किसकी तरह कार्य करती है, उभय प्रतिरोधक या बफर विलयन की तरह कार्य करती है। तो ये अपना जो पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपको दे भी रखा है। देर बेटा ये था अपने पास में क्या, उभय प्रतिरोधक बफर क्रिया, जिसको अपन ने परिभाषा, उभय प्रतिरोधी क्रिया, उदाहरण, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण और मृदाओं में उभय प्रतिरोधन, इन बिंदुओं से इसको एक्सप्लेन किया। क्लियर बेटा, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।